साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे अविभाज्य कोष्ठी का। जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स अपनी चल रही थी उसमें पहला जो यूनिट अपना चल रहा था क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसमें हमने कल क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन किया था कि भाई ये दो प्रकार का होता है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। आज हम प्रिमिटिव सेल के बारे में बात करेंगे अविभाज्य कोष्ठिका के। अविभाज्य कोष्ठिका क्या होती है विद्यार्थियों, कि हमने पढ़ा था कि माना कोई स्थानांतरण सदिश जो ए बी सी होते हैं उनके लिए जो अपनी समीकरण प्राप्त होती है आर बराबर जो एन आर बराबर आर डैश या आर डैश बराबर आर वन प्लस एन वन ए प्लस एन टू बी प्लस एन थ्री सी, जहां ए बी सी स्थानांतरण सदिश है और आर स्थिति वेक्टर होता है, जो स्थिति सदिश होता है उसके बारे में हमने बताया था। तो यहां कहा गया कि जो प्रत्येक एकक कोष्ठिका होगी, क्या कि प्रत्येक एकक कोष्ठिका जिसके प्रत्येक कोने पर क्या होता है, एक जालक बिंदु स्थित होता है या एक अणु या परमाणु स्थित रहता है, जिसे हम अविभाज्य कोष्ठिका भी कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि अविभाज्य सदिशों से बनने वाला समांतर षट्फलक। इसका अर्थ क्या है कि जो हमने स्थानांतरण सदिश लिए थे उन में जो ये स्थानांतरण सदिश ए बी सी होते हैं ये कहलाते हैं अविभाज्य सदिश, और अविभाज्य सदिशों से जो समांतर षट्फलक बनता है वो कहलाता है अविभाज्य कोष्ठिका। साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि वह एक कोष्ठिका जिसके प्रत्येक कोने पर एक जालक बिंदु या एक अणु परमाणु स्थित होता है वह क्या कहलाता है, अविभाज्य कोष्ठिका। वही कहा गया है कि अविभाज्य कोष्ठिका के प्रत्येक कोने पर एक जालक बिंदु स्थित होता है और क्रिस्टल संख्या में यानी कि क्रिस्टल में जितनी संख्या में आधार होंगे उतनी संख्या में अविभाज्य कोष्ठिकाएं होती हैं। अब एक एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है विग्नर सिट्ज अविभाज्य कोष्ठिका का नामांकित चित्र या इसके बारे में समझाइए। तो विद्यार्थी जो विग्नर सिट्ज अविभाज्य कोष्ठिका होती है उसके बारे में बताया गया है कि जो अपना अविभाज्य कोष्ठिका का हम निर्माण किस प्रकार से करते हैं। अभी हमने ये जालक पॉइंट ले लिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जालक बिंदु ले लिए, इन सभी बिंदुओं को आपस में मिला दिया, मूल बिंदु से होते हुए मिलाए, यही कहे सबसे पहले जालक बिंदु से पास सभी जालक बिंदु तक रेखाएं खींचते हैं, इन रेखाओं के मध्य तल से लंबवत तल खींचते हैं, इन तलों से घिरा आयतन एक नई अविभाज्य कोष्ठिका का निर्माण करता है। तो ये जालक बिंदु लिए प्यारे विद्यार्थी हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये ले लिया। अब इसको इस जालक बिंदु को इससे मिलाया, इससे मिलाया, इससे मिलाया, इससे मिलाया, इससे इन सबसे मिला दिया, मिला दिया ना। उसके बाद इसने क्या कहा है कि इन रेखाओं के मध्य तल से लंबवत तल खींचते हैं, ये जो रेखा है यहां से मध्य एक तल खींच दिया, ठीक है, इस रेखा के मध्य से खींच दिया, इस रेखा के इस और इस दोनों रेखाओं के मध्य से खींच दिया, इस रेखा के मध्य से, इसके मध्य से और इन दोनों रेखाओं के मध्य से, जब ये सभी तल खींच करके इनको आपस में मिलाया जाता है तो एक नई अविभाज्य कोष्ठिका का निर्माण हुआ कि नहीं, नई आकृति आपको दिख रही है कि नहीं, ये आकृति ही विग्नर सिट्ज अविभाज्य कोष्ठिका कहलाती है। तो विद्यार्थियों ये आपको विशेष रूप से याद करना है, ये एग्जाम में पूछी जाती है कि विग्नर सिट्ज अविभाज्य कोष्ठिका क्या होती है। तो विग्नर सिट्ज अविभाज्य कोष्ठिका क्या होती है कि हमें जालक बिंदु जो होते हैं उनके पास स्थित जालक बिंदु से उनको आपस में मिलाते हैं, रेखाएं खींचते हैं, इन रेखाओं के मध्य तल से लंबवत तल खींचते हैं जिसके कारण इन तल से घिरा आयतन से एक नई आकृति का निर्माण होता है और वह आकृति विग्नर सिट्ज अविभाज्य कोष्ठिका कहलाती है। तो विद्यार्थी इस प्रकार से ये अविभाज्य कोष्ठिका के बारे में आज हमने अध्ययन किया है। बहुत आशा करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।